हेलो दोस्तों, मैं रफीक आज आपको बताऊंगा बाइक लेते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास है HF डिलक्स हीरो की, हम आज आपको इसी बाइक को दिखा के फिर हम आपको बताएंगे। बाइक लेने से पहले आपको पता है कि इंजन सही है या नहीं है, इंजन नंबर कहाँ पर रहते हैं, चेचिस नंबर कहाँ रहते हैं, उन सभी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। जैसे ये हमारे पास है CD डिलक्स, अब हम आपको इसकी आवाज दिखाते हैं। ये आप सुनो गौर से आवाज, इसमें हल्की नॉर्मल से आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। जैसे ये शॉकर है, इन पे ऑयल लगा हुआ है, यहाँ पे ये लीक है। उसके बाद में जैसे चेचिस नंबर है, ये चेचिस नंबर है, इनको हमको देखना है गौर से कि गुदा हुआ तो नहीं है। इसी प्रकार से इंजन नंबर होता है जो हम आपको अभी दिखाएंगे। जो इंजन नंबर रहता है इंजन के नीचे रहता है साइड में, वो हमको ऐसे देखना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ से यहाँ रहता है वो, इसके पास में ये रहा नीचे जो गियर लीवर है, गियर लीवर के नीचे नक्का बना हुआ उसी के पास में। अब साइलेंसर देखते हैं हम इसका, तो इसके साइलेंसर में जब उंगली देंगे तो ये कालोस लग के आएगी जैसे ऑयल उठा रही है। अब ये बाइक है, इसकी जो ये है ये सूखा है, एक आता है आला जैसे एक किक में लगा हुआ है, जो ऑयल उठाते है उसमें तो ऐसे लगा हुआ आता है, और जो इसका साइलेंसर है वो सूखा है, तो इसका मतलब ये बाइक सही है इसका इंजन। उसी प्रकार से हमको टंकी को देखना है, जैसे टंकी पे स्टिकर है, इन पे जैसे हम ऐसे हाथ फेरेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जेनुइन है लोकल है, लोकल रहेंगे उनमें किनाठल नहीं दिखेगी हमको। फिर उसके बाद में हमको टंकी का देखना है, पहले डेंट पेंट तो नहीं हुआ। ये ढक्कन खोलने पे हमको इस चीज को देखना है, इसमें हमको पता चल जाएगा पहले डेंट पेंट हुआ है नहीं हुआ है। इसका नहीं हुआ है तो ये ढक्कन सही मिलेगा हमको। जो टायर है, टायर के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे ये टायर है हमारा, अब इस टायर में ये गुड्डी है, एक तो ये साइड में है, एक है बीच में है। बीच की गुड्डी जो बराबर हो चुकी है इसकी, तो ये टायर खत्म हो चुका है। इसी प्रकार से हम आपको पिछला टायर दिखाएंगे। जो पीछे का टायर है उसमें बीच में यहाँ पे आपको गुड्डी दिख रही होगी, उसके बीच में भी एक गुड्डी है, अगर उस पर पहुंचा हुआ है तो ये टायर हमारा खत्म है। इसी प्रकार से आपको देखना है। जैसे किक है, किक लगाएंगे हम, आपको किक से भी अंदाजा पड़ जाएगा। जैसे हम किक लगाएंगे ऐसे, किक एक तो नरम लगती है, हार्ड लगती है। जो टाइट लग रही है तो समझो सही है, अगर नरम किक लग रही है तो भी इंजन में दिक्कत है। आपका जो मीटर है, मीटर पे आप कभी भरोसा मत करो, जो मीटर रहता है ये मीटर बंद हो जाता है। अब जैसे इसका चला हुआ है 25,754 किलोमीटर। इसी प्रकार से आपको देखना है। अभी मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।